नमस्कार दोस्तों, बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है और इसको करके आप एक एकड़ में 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है। इस फसल को संपूर्ण भारत में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। अगर आप भी हाइब्रिड टमाटर की खेती साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो आपको कम लागत में काफी मुनाफा हो सकता है। आज के युग में किसान टमाटर की खेती करके लाखों रुपए कमा रहा है और आत्मनिर्भर है। अगर आप भी टमाटर का बिजनेस और खेती की जानकारी जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप हाइब्रिड टमाटर की खेती करके सिर्फ एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हाइब्रिड टमाटर की अच्छे तरह से खेती और व्यापार किया जाए। दोस्तों, टमाटर की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप कितना टमाटर उगाना चाहते हैं और आपके पास कितनी भूमि उपलब्ध है। उसी के अनुसार आपको खाद, दवाई, मेहनत और समय देना होगा। वैसे तो टमाटर के बिजनेस में काफी मेहनत नहीं लगती है, परंतु आपको अपना कीमती समय देकर बीच बीच में निरीक्षण करना होगा ताकि अच्छी पैदावार और आमदनी भी अच्छी हो सके। दोस्तों, वैसे तो टमाटर की खेती किसी भी समय में की जा सकती, लेकिन हम टमाटर की खेती अगर समय के अनुसार करें तो हमें और भी अधिक मुनाफा होता है। दोस्तों, शरदकालीन फसल के लिए जुलाई से सितंबर, बसंत या ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नवंबर से दिसंबर तथा पहाड़ी क्षेत्र में मार्च से अप्रैल महीने में बीज की बुआई फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये तो हुई समय की बात। आइए अब जानते हैं हाइब्रिड टमाटर के बीज। जब आप टमाटर की खेती करने जा रहे हो तो कोशिश करें कि आप टोमेटो पूसा 120 का ही बीज लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टमाटर की प्राप्ति हो। यह बीज मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। 150 से 175 ग्राम हाइब्रिड टमाटर के बीज एक हेक्टर में काफी है। इससे काफी अच्छी मात्रा में टमाटर मिल सकते हैं। दोस्तों, ये बात हो गई टमाटर के बीज की। आइए अब जानते हैं टमाटर की खेती के लिए खेत को तैयार करना। अब आप दो तरह से खेत तैयार कर सकते हैं। पहले सीधे जमीन पर यानी समतल और उठी हुई बेंड यानी क्यारिया बनाकर इसके मिट्टी को 10 से 15 इंच तक ऊंचा उठाकर बनाया जाता है। कोशिश करें कि टमाटर को क्यारी मेट ऊंचा बनाकर ही लगवाया जाए ताकि आपको नुकसान कम हो और लाभ ज्यादा। इससे होने वाले टमाटर भी नीचे जमीन पर नहीं टिकते हैं और पानी से भी सड़ने का डर नहीं रहेगा। ध्यान रहे कि इस पर ज्यादा पानी नहीं डालें। इसमें खरपतवार भी कम उगते हैं और आपकी समय का भी बचत होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं टमाटर की खेती के लिए खाद तैयार करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको टमाटर अच्छा रेट में मार्केट में मिले तो कोशिश करें कि जैविक खेती ही करें। इसके लिए आपको केवल अच्छे खाद की जरूरत पड़ेगी जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। खाद बनाएं और अपने टमाटर की खेती में उसको डाल दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं खाद बनाने की विधि। दोस्तों, एक हेक्टर में खेती करने के लिए आप 35 ग्राम गाय के गोबर को लें। अब इसे छायादार जगह में रखकर इसमें फॉर्मुलेशन को अच्छे से मिला दें। अब इसे बोरे से ढांक दें। इसे हर 2 दिन में ऊपर से नीचे पलटा दें। इसे टोटल 7 दिनों तक ही रखें और आपका ऑर्गेनिक खाद तैयार है। इस ऑर्गेनिक खाद को टमाटर की नर्सरी के लगाने के 2 दिन पहले मिला दें ताकि टमाटर को जरूरी चीजों की पूर्ति हो सके और अच्छे से बढ़ सके। दोस्तों, आइए अब जानते हैं टमाटर के
पौधे को नर्सरी में तैयार करना। टमाटर के स्वरूप एवं मजबूत पौधा तैयार करने के लिए 10 ग्राम हाई अमोनियम फास्फेट और 1.5 से 2.0 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछा देना चाहिए। क्यारियों की लंबाई लगभग 3.0 मीटर और चौड़ाई लगभग 1.0 तथा भूमि की सतह से ऊंचाई कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर रखना उचित होता है। इस प्रकार की ऊंची क्यारियों में जिसकी आपसी दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके बाद फुहारे की हल्की सिंचाई करें। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद पौधा रोपाई योग्य तैयार हो जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं टमाटर की पौधे की रोपाई। जब पौधे में 4 से 6 पत्तियां आ जाए तथा ऊंचाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाए तब पौधा रोपाई के लिए तैयार है समझ जाना चाहिए। रोपाई के 3 से 4 दिनों पूर्व पौधाशाला की सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। जाड़ों के मौसम पौधे को पाला से बचाने के लिए क्यारियों को पॉलीथिन चादर की टलेन बनाकर उससे ढक देना चाहिए, जिससे कि हमारी पौध खराब ना हो। और टमाटर की खेती करने के लिए खाद प्रबंधन, खेत में उगने वाले खरपतवार को समय रहते खुरपी या कुदाल से गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए, अन्यथा खरपतवारों की तेज वृद्धि से फसल के अधिकतम नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और दोस्तों टमाटर में होने वाली बीमारियां, वैसे हर बिजनेस और खेती में कुछ न कुछ रुकावट होती है, उसी तरह टमाटर की खेती करने में भी टमाटर की पौधों में कुछ बीमारियां लग जाती है, जैसे पत्ते मरोड़ जाना। जैसा कि बीमारी के नाम से ही जाना जा सकता है, इस बीमारी के होने पर टमाटर के पत्ते मुड़ने लगते हैं और थोड़ा झुक जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाए कि टमाटर के पौधे में लेफ्ट क्रूएल नामक बीमारी हो गई है, जिसे हम देसी भाषा में कुकड़ा या पत्ता मड़ोड़ कह सकते हैं। ऐसा होने पर फौरन इस तरह के पौधे को निकालकर खेत से दूर मिट्टी के अंदर दफन कर दें, ताकि यह बीमारी दूसरे पौधों में ना फैले। अब इमीदा क्लोरीड 17.8% SL दवा को लेकर 6 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला दें और पूरे खेत में छिड़काव करें। और दोस्तों कीट पतंग से बचाव। टमाटर जब बढ़ने लगते हैं और उसमें टमाटर आने लगे तो कीट पतंग और कीड़े टमाटर के तरफ आकर्षित होने लगते हैं और टमाटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए आप शुरू में ही हर 15 टमाटर के पौधे के बाद एक गेंदे के पौधे को लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं गेंदा के फूल से कई तरह की दवा बनती है और यह कीड़े को आसपास आने से रोकता है। इसके अलावा खेत की बाउंड्री के पास हर 10 फीट पर गेंदे का पौधा लगा दें। इससे टमाटर के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों अब बात आती है फलों की टुड़ाई। टमाटर के फलों की टुड़ाई उसके उपयोग पर निर्भर करती है। यदि आसपास के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद टुड़ाई करें। यदि दूर के बाजार में भेजना हो तो जैसे ही फल के रंग में परिवर्तन शुरू हो जाए उसके बाद टुड़ाई कर लेना चाहिए। और टमाटर की फसल से उपज व मुनाफा। हाइब्रिड टमाटर की औसत उपज 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। अच्छी उत्पादन तकनीकी एवं हाइब्रिड टमाटर के बीज की खेती करने पर लगभग 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कैसे होगा 4 से 5 लाख रुपए तक का फायदा। मान लेते हैं कि हाइब्रिड टमाटर के
के बीज की खेती करने पर लगभग 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन होता है और यदि टमाटर 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी बिकते हैं तो 500 रुपए प्रति क्विंटल होते हैं, जो कि 1000 × 500 = 6 लाख और 1000 × 500 = 5 लाख रुपए होते हैं। अब इसमें से आप 1 लाख रुपए खर्चा भी निकाल देते हैं तो भी आपकी 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा होता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने आपको टमाटर की खेती के बिजनेस के बारे में बताया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भी इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी के लिए हमारे इस बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।